कहानी रह गई कि टाइगर जिंदा है, ऐसे लेके टाइगर कब तक जिंदा है तक का सफर। अरे जब तक वो जिंदा है, सीएम योगी जी ने उसका सलमान खान का जिम्मा उठाया है तो वो कोई कुछ नहीं कर सकता। सही बात तो है, बहुत अच्छी बात है। कह रहे ना कि प्रधानमंत्री की चले गई एक टाइम पे। एक सेकंड नीरज, अगर मैं लॉरेंस मेसनोई को गैंगस्टर मान लूं कुछ हो जाएगा, अगर मैं उसे हीरो मान लूं कुछ हो जाएगा, प्रशासन की नजर में क्या है वो मैटर करता है। वो समझे मुझसे क्या मतलब है। दुनिया इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बोलूंगा तो लोग ताली बजाएंगे, खुद ही पीट लेते हैं। मैं केस चल रहा है, बड़ी नहीं हुई है, और सलमान खान को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सेलिब्रिटी है, पूरा देश का सब सम्मान करता है उनको। नमस्कार, मैं अमनीषा पाल, आप सभी का स्वागत है सच तक में। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का जो मुद्दा है उसमें एक नया मोड़ आ गया है। कड़नी के जो प्रमुख हैं उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए अफसर को 1,11,11,101 रुपए देने का इनाम रखा है कि जो भी उनको मार देगा वो इतना इनाम उनको देंगे। जनता हमारे साथ मौजूद है, जनता की क्या राय है इस पे जनता से बात करेंगे। ठीक है, क्या नाम हुआ सर आपका? मैं नाम अरमान है सर। क्या कहेंगे आप इसको लेके, अब लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए धमकी मिली है कि लॉरेंस बिश्नोई को जो अफसर मार देगा, जो एनकाउंटर उसका कर देगा, उसको पैसे मिलेंगे, फिरौती मिलेगी 1,11,11,101 रुपए। मैंने सुना। सबसे पहले इसकी मैं निंदा करता हूँ, ये गलत है। अगर कोई अपराधी है तो उसका कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करेगा, संविधान से चलेगा। ये गलत है कहना, आप ऐसा किसी को नहीं कह सकते कि 1 करोड़ दूंगा और किसी और को मार दो, ये सबसे गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। निंदा करते हैं आप इसको। लॉरेंस बिश्नोई को आप किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें वायरल हो रही है कि वो सनातनी है, राष्ट्रवादी है, कानून के हिसाब से तो गैंगस्टर है, जिस तरह से इस तरह की हत्याओं को अंजाम दे रहे। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है और वो जेल के अंदर है, मैं इस नजरिए से देखता हूँ, गैंगस्टर है बस। ठीक है सर, क्या कहेंगे आप? मानते हैं गैंगस्टर? लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर मानते हैं? नहीं, मैं गैंगस्टर तो नहीं मानता भाई उसे। ठीक है, अब वो जो उसने, हाँ अब बोलो ना, मुंह पे अभी हाथ मत रखो, अभी सर अभी मुंह छुपा के भागना भी पड़ सकता है। एक बात देखिए, तुम्हारी दिक्कत ये कि भागने लगते हो, और जब अपनी बात आएगी अभी तू तड़ाक पे तबे पे पहुंचोगे, अभी बहुत डेली देखते हो। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, सुनिए, हाँ धमकी पर्सनल जा ही नहीं रहे, जो कह रहे हैं भाई, जो कहते हो वही बोल रहा हूँ ना। हाँ मैं चलता रहे, डरते कि नहीं तो चलता रहे भाई। वो तो पता है डरते नहीं होते, किसकी चाट रहे हो इतनी देर से, वो दिख रहा है। कैमरा चले जाए कुछ नहीं चला, हम खड़े हैं, खड़े हैं, देखो चलो बोलो जो बोलना है। हाँ जी, तो वही बात कह रहे हैं कि आजकल भैया देश में डीजे लॉरेंस यही हो रहा है, डीजे लॉरेंस यही हो रहा है भाई साहब। ये बज रहा है ना सलमान खान, बजा दो ना डीजे वाले बाबू मेरा गाना, बजा दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना। तो डीजे वाले बाबू गाना बजाते हैं आजकल, मुद्दे से नहीं भटकना। नहीं, मुद्दे से नहीं भटक रहे, डीजे वाले बाबा गाना बजाते हैं, लॉरेंस का बना देते हैं तो जिसकी फट्टी होती है वो भग जाते पीछे को, नाम सुन के लॉरेंस का। लॉरेंस बिश्नोई को सरकार है वो पीछे से सपोर्ट कर रही है, तभी इस तरह की जो घटनाएं उनको अंजाम दे पा रहे हैं। क्या कहेंगे? सलमान खान को हमारे मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, कर लो कोई भी कुछ कर लो, करके दिखा दो। हम तो यही कह रहे हैं ना, अभी प्रशासन की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी दे रखी है, सिक्योरिटी दे रखी है पूरी, करने की बात मत करिए तुम। उसको कौन था, बाबा सिद्दीकी नामी था ना वो, कौन भाई बॉलीवुड का, रात रात में मरवा दिया, कब से केस था पता नहीं लगता, जब लॉरेंस आएगा तब पता नहीं लगेगा कब था कब चला गया टाइगर। अब तो बस वो जब तक जिंदा रहेगा कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। तो वो टाइगर गीदड़ों की तरह छुपक के क्यों चल रहा है पीछे, ये बताओ। वो टाइगर की दम है, जो अपने दम ही है, टाइगर का दम ही है गीदड़ों के पीछे चलने का। क्या यही टाइगर होता है? ये जंगल का टाइगर नहीं है, ये सर्कस का टाइगर है, जो नाच गाना करता है ये सर्कस का टाइगर है। जंगल का टाइगर जो है ना जेल में बैठ के वो पढ़ रहा है सबकी। एक मिनट, जहाँ लॉरेंस बिश्नोई है वो दूसरों को डरा धमका रहे। एक मिनट, इस देश में एक बदमाश की चलेगी और एक प्रधानमंत्री की चलेगी, ये बता दो बस मुझे, किसकी चलेगी आप बताओ? एक बदमाश की चलेगी, एक प्रधानमंत्री की चलेगी, किसकी चलेगी? प्रधानमंत्री ने और योगी जी खुद सीएम ने, प्रधानमंत्री ने और खुद ने। मेरी बात हक की होती है, मैं बजाऊंगा किसके में मिर्ची लग रही है आज। नहीं सही बात है, तो मैं कहना चाहूंगा आज के ये नौजवान है, आज के ये नौजवान पीढ़ी है जो बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं लॉरेंस बिश्नोई, अबे वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो इंसान है ना, एक लड़की के प्यार में आकर उसने धोखा खाया, तब से उसने है ना गैंग शूटर बन गया, और आज जेल में होकर
पाप के द्वारा इस तरह कर रहा है, सच्चाई लगती है सर इस बात बुराई में। अरे अरे असली असली दिल जले तो ये लग रहे हैं, धोखा उसे मिला जल इनकी रही है, क्या दिक्कत है भाई। इस मामले में मेरा बड़ा दिल जलता है। मुद्दे पे आते हैं सर, मुद्दे पे आते हैं। अभी लॉरेंस बिश्नोई को ना महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले बजे मिलेगा गुरुद्वारे में, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले भाई भाई जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ से भी टिकट देने के लिए एक पार्टी वो बात कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को टिकट देंगे, चुनाव लड़े। क्या लगता है इलेक्शन लड़ेंगे उसमें कुछ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे और ना टिकट मिलेगी। कोई कुछ भी कह रहा हूँ, इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, ना टिकट मिलेगी। और ये चाहिए ना मिलनी चाहिए, ना मिलनी चाहिए। मिल रही है, लॉरेंस बिश्नोई को टिकट दे रही है पार्टी, एक पार्टी वो टिकट दे रही है। सिर्फ जवाब दिया है, ऐसा बयान दिया है, टिकट दे नहीं रही है, बयान दिया है। मोदी जी नहीं देंगे टिकट, हाँ नहीं मिलना चाहिए। इस चीज के बिल्कुल समर्थन में नहीं हम कह रहे हैं, हम हमेशा से कह रहे हैं पाउडर निर्मा वाली पार्टी होगी, ठीक है। हम हमेशा से कह रहे हैं, वो है माफिया मान लो, टेररिस्ट मान लो है। हम बस आस्था की बातें कर रहे हैं, विचारधारा की बातें कर रहे हैं। विचारधारा जहाँ उनकी मिल रही है, उनकी ठेस पहुंची है आस्था को, तो उसमें माफी मांगनी चाहिए। हम ये समर्थन नहीं कर रहे हैं कि वो टेररिस्ट नहीं है, वो बहुत बड़े हीरो हैं। इसमें ये इसका भी हम सलमान का भी हम सलमान का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं कि वो भी हीरो नहीं है। मैं माफिया भी बोला है भैया, मुनव्वर फारूकी पे भी कुछ बोल देते हैं। मुनव्वर फारूकी कहाँ से आया है? मुनव्वर फारूकी क्या करेंगे बेचारे, रो रहे हैं। अगले मुनव्वर फारूकी कह रहे थे कि सलमान के पीछे हम खड़े, उधर थारा भाई जोगिंदर कह रहा था सलमान के पीछे हम खड़े, जोगिंदर के पीछे 10 गाड़ियां घूमी तो अगले दिन वो सॉरी मांगता है, नदीम भी मांगता है। और ऊपर से एक बात और फिर बोल रहा हूँ, मुनव्वर का समर्थन मैं भी नहीं करता। हाँ नहीं करता, मालूम है नहीं करता, तुमने बोला है। एक बात और लास्ट बात है मेरी, सबके बारे में बोला। और ये सब हमेशा उसकी वीडियो देखते थे, पता किसकी? जर्मन सेफर्ट ध्रुव राठू की। राठू बोला जान के, वो नहीं बोल सकता ना, वो नहीं बोल सकता ध्रुव राठू, आगे समझ जाना जेल लगा के, ठीक है उसकी है ना। तो ये वीडियो देखते थे लेकिन बेचारे परेशान है, नॉलेज मिले कहाँ से? क्योंकि उसने लॉरेंस पे वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि पता है अगर वहाँ पे भी बना दी उसने तो उसका वहाँ पे भी कर देगा झिंटा पाक डम डम। तो मोदी से भी नहीं डरते, मोदी के बारे में और इन सबके बारे में भी तो वीडियो बनाते, सारे नेताओं के बारे में बनाते, तो उनके बारे में क्या? मोदी से नहीं डरते, हम कह रहे हैं मोदी कुछ करते नहीं है, मोदी थोड़ा राम के रास्ते पे चलते हैं। योगी पे क्यों नहीं बनाई? योगी पे क्यों नहीं बनाई? योगी से डरते हैं और इधर तो योगी भी एक बार बना देगा। हम कह रहे हैं राठी का लॉरेंस बिश्नोई से क्या कनेक्शन? कनेक्शन तो यहाँ से केजरीवाल से भी उसका कुछ नहीं होता, फंडिंग होती है ना मैडम, फंडिंग की बात है सारी। विपक्ष वाले सारे जब कर रहे हैं उसके फंडिंग की बात हो रही है, जब उसको फंडिंग उसको हो रही है तो वहाँ बना रहे हैं, तो लॉरेंस पे भी एक आदि बना दो, हम देख ले कितने बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं वहाँ बैठ के। क्या लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज है वो माफी मंगवा पाएगा सलमान खान से या नहीं? जी हम तो कह रहे नहीं मांगो, अगले दिन रात को हो जाएगी चिंटा पाक डंडम, हमें क्या है। चलो भैया ठीक है, क्या कहेंगे सर आप? जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल सही बात है भाई, माफी मांग लो, अगर आपने गलती की है तो माफी मांग लो, और आपने गलती की है उसमें कोई बट तो है ही नहीं, उसने कोई क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं है ना। अरे वहाँ पे सबूत मिले हैं भाई, मिले हैं तो आप माफी मांग लो जाके, क्या हो जाओगे छोटे हो जाओगे क्या यार, है फांसी से अच्छा है। बिश्नोई को मारने की धमकी मिल रही है कई गलती से, लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही अगर उनका ही कोई ऑफिसर एनकाउंटर कर देता है, क्योंकि जो करनी के प्रमुख है उन्होंने धमकी दी है। उनका आपस में झूठ है कुछ थोड़ा सा, जो भी प्रॉब्लम हुई थी उनके शायद को उनका क्या नाम है उनको शायद शूट किया था, तो इसी चक्कर में करनी सेना के कोई अध्यक्ष थे उनको शूट किया था, उस वजह से हो रही है। वो ठीक है, वो उनको धमकी दी, अपने निपट लेंगे उनसे, क्या करना। आप खुद ही सोचिए मैम, एक्चुअली आप खुद ही सोचिए कि आपने कभी ये सुना है कि सलमान ने कभी भी काले हिरण का शिकार किया? आप बताइए, सुना क्यों नहीं है? सुना है हमने, आपने सिर्फ टीवी में। ठीक है सर, आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे सर आप बताइए, क्या कहेंगे आप? सलमान खान है वो लगातार यही बोल रहे हैं कि हमने किसी काले हिरण को नहीं मारा है, हमने कोई हत्या नहीं की, हम माफी नहीं मांगेंगे। उनके पिता हैं सलीम खान, वो भी इसी तरह बोल रहे हैं, कह रहे माफी नहीं मांगेंगे। अब इसके बाद जो करनी समाज के प्रमुख हैं उन्होंने भी कहा है कि जो भी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर कर देगा उसको हम फिरौती के तौर पर पैसे देंगे। करनी सेना और की बात कर रहे हैं ना, तो ये विपक्ष की चाल है,
जो बांटने की राजनीति कर रहे हैं ना हिंदू में बांटने की, वो चला रहे हैं। बटेगा नहीं, बटेगा नहीं। एक बार बट गए यूपी में, बट गए ना खटाखट में, अब नहीं बटने वाला है। ठीक है, कुछ साजिश चल रही है बांटने की, बीजेपी के विरोध में चला रहे हैं, चलेगा नहीं, बटेगा नहीं। दूसरी बात जो है वो काला हिरन, तो शिकार जो भी किया मेरे गैंगस्टर मानने से, या मेरे उसके, मैं मान लिया कि वो हीरो है, ठीक है, आप हीरो बना दोगे उसे? बना दोगे? नहीं बनाओगे ना, तो फिर ये प्रशासन के नजरों में क्या है वो इम्पोर्टेंट है। और रही बात गाना बजाने और डीजे बजाने की, तो वो तो पता चल ही रहा है किसका बजा है और कौन चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है कि मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई, भैया माफ कर दो। क्या कहेंगे सर आप इसको लेके? हम ऐसे कहेंगे, अगर सलमान खान माफी नहीं मांगेंगे ना तो रात में उनका हो जाएगा जिन टपाक डम डम। माफी मांगने के लिए सलीम खान है, उन्होंने कहा है कि सलमान खान है वो माफी नहीं मांगेंगे, उन्होंने किसी काले हिरण की हत्या नहीं की। सलीम खान ने ये कहा था, उसने मच्छर की भी हत्या नहीं की, लेकिन सलमान खान ने, हमने देखा था बकरा ईद को बकरा काट के खाते हैं, मच्छर को नहीं मारा, बस बकरा को मारा है। मच्छर की हत्या नहीं करी हम, रुक जाओ ना, हम यही तो कह रहे कि मच्छर को नहीं मारा, मच्छर को तो हम भी मानते नहीं मारा, हिरन को तो मारा है, हिरन को तो मारा है, मच्छर, अरे जो मच्छर को नहीं मारा मानते, हिरन को तो मारा है। और सिर्फ लॉरेंस की बात नहीं है, बिश्नोई समाज में मतलब उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगेंगे तो हम तो कह रहे हैं जिन टपा के डम डम हो जाएगा। सर माफी मांगनी चाहिए सलमान खान। एक बात बताइए, देश संविधान से चलेगा, डर से चलेगा? मुझे तो ये बताओ, ये ऐसी इनकी मानसिकता है, क्या कहूँ मैं, कुछ कहने के लायक नहीं है ना, ना इनसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक गैंगस्टर जेल में बैठ के कह रहा है धमकी दे, कल इसको भी देगा, ये पैर पकड़ेगा उसके या चाटेगा, जो आज चाट रहा है यहाँ पे, क्या डर लग रहा है क्या इसको? देखिए पहले इन चाटुकारों को ये देखिए, खुद अपनी बात बोल के, अपनी बातें बोल के टक 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 शुरू हो जाते हैं। इतना भी इन लोगों को इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बोलूंगा तो लोग ताली बजाएंगे, खुद ही पीट लेते हैं। केस चल रहा है, बड़ी नहीं हुई है, और सलमान खान को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, सेलिब्रिटी है पूरा देश का, सब सम्मान करता उनको। हाँ, माफी मांग ले, ये बिश्नोई से कहाँ माफी मांगने बोल रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे जेल में आओ, मेरे से माफी मांगो। समाज है एक, बिश्नोई समाज है, उसका आस्था है हिरण के साथ, उसको देवता मानता है, किसी भी जात विशेष का हो, किसी का भी धर्म के साथ अगर वो हो रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई तुम जाओ वहाँ पे, हमारे समाज से माफी मांग लो। वो भी बिश्नोई भी नहीं बोला, वो भी बोला बिश्नोई समाज का जो प्रधान है वो कह रहा है मेरे मंदिर में आओ, यहाँ पे माफी मांगो, बाकी खत्म। ठीक है, थैंक यू सर।